वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाकेदार मजेदार से अंडा 65 बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखिए हमारे पास यहाँ 8 हार्ड बॉइल्ड एग है, उसको हम चॉप करते हैं। तो बेसिकली इसको हाफ करेंगे, तो इसको बस अनियन की तरह चॉप कर देंगे। रफली इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये जो सफेदी के जो हमने देखे ये जो चंक्स किए ना वो आते हैं मुंह में तो बड़े अच्छे लगते हैं, तो बस इसी तरह से सारे कर लेंगे। बेसिकली हमें जर्दी की परवाह ही नहीं है कि वो रफली कट रही है कि नहीं कट रही है, सिर्फ सफेदी जरा अच्छी अच्छी सी डाइस हो जाएगी तो मुंह में आएगी तो मजे की लगेगी, और अगर थोड़ी टूट भी जाती है तो कोई मसला नहीं है। और अब इसको हम अपने बोल में डालते हैं। अब इसमें हम झटपट स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूं है कि आधा टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून नमक। और अब इसमें डालेंगे 1 हैंडफुल हरा धनिया, वन टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, या हमारे पास 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और ये 1 लाल वाली मिर्च है जो कि तेज नहीं है। और अब इसमें हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस जो कि हमने बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, बड़ा इजी है। और इस वक्त अगर आपके पास मौजूद ना हो तो किसी भी किस्म का आपके पास जो चिली सॉस हॉट सॉस होता है ना वो आप डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून। ये 2 टेबलस्पून भर के था और अब इसको हम मिला लेंगे। इसको आप रूखा खाएं, बड़ा मजे का लगेगा, पराठों के साथ खाएं, रोटियों के साथ खाएं, जिस तरह से दिल चाहता आपको। तो ये देखे ऐसा लग रहा है झटपट हमारी एग सैलेड बन गई। अच्छा अब इसको हम बाइंडिंग देंगे। तो बाइंडिंग देने के 3-4 तरीके हैं, या तो आप बेसन से भी दे सकते हैं, मैदे से भी दे सकते हैं, थोड़ा सा घर के आटे से भी दे सकते हैं। मेन बाइंडिंग जो है वो आपको जो दिल चाहे। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप मैदा, और क्रिस्पी करारा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर कह ले उसको डाल देंगे, इससे क्रिस्पी बनेगा। देखिए थोड़ा बहुत मिल गया है, अब इसे हम ग्लव्स पहन के अच्छे से मिलाएंगे। जैसे पकौड़े को किस तरह आमेजे को मिलाते हैं इस तरह से। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है हरे धनिये की, हरी मिर्चों की, चिली गार्लिक सॉस की। देखिए ये बड़े अच्छे से कोट हो गया है हमारा कॉर्न स्टार्च और मैदा जो है आपस में। अब इनको थोड़ा सा मॉइस्चर डालेंगे ताकि कंसिस्टेंसी राइट हो। तो ये देखिए हमारे पास पानी है तो ये डालेंगे, तो तकरीबन 1 टेबलस्पून डालते हैं और इसको मिलाते हैं। देखिए अब ये डो टाइप का हो गया ना, ये कि हम जोड़ के यूँ पकड़ सकते हैं, वैसा हमें चाहिए। पतले की साइड पर बिल्कुल नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हम जो है पकौड़े टाइप का बना सकें। और यहाँ देखें हमारा तेल जो हमने रखा था गरम हो गया है। मैं बताती हूँ कि कैसा चाहिए कि वुडन स्क्यूअर या चम्मच जब रखें तो यहाँ बबल जो है ज़ोरों शोर से आना शुरू हो जाए, यानी पकौड़े की तरह गर्मा गर्म। तो चले
आपकी मनपसंद जो साइज आपको पसंद हो इस तरह से बॉल बना के डाल दें। मैं इस तरह के छोटे छोटे डाल रही हूँ। जितने आपके पैन में गुंजाइश हो इतने डाल दें और अराउंड एक अंडे में 4 से 5 बन जाते हैं पकौड़े। तो ये हमारा लास्ट भी जा रहा है, हमने चम्मच हिलाया नहीं है और ना चलाना है जब तक कि बबल्स बहुत हैं, जब तक नहीं चलाएंगे, अराउंड 3 मिनट नहीं चलाएंगे। देखिए अराउंड 3 मिनट के आसपास हो गए हैं, हमारे जो पकोड़े हैं वो ऊपर भी आ गए हैं, जाग जो है वो कम हो गए हैं, सेंटर वाले पकोड़े थोड़े से ब्राउन दिख रहे हैं। तब हम पहली मर्तबा चम्मच चलाएंगे और कहेंगे हाय आप कैसे हैं। वो कह रहे हैं भाई हम तो बड़े खुश हैं, आपने हमारी परवाह की हो कि ना की हो, हम तो खुश इंजॉय कर रहे थे फैमिली अंदर। तो चले बस इसको थोड़ा सा हमने चला दिया, आप नज़र रखेंगे इसको और 3-4 मिनट और फ्राई कर लेंगे। देखिए 2-3 मिनट और हो गए तो हम क्या करते हैं इसका बघार जो है रेडी करते हैं। तो यहीं से हम तेल ले लेते हैं अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। पैन हमने रखा है हाई हीट पे, अब इस गरम गरम तेल में ही हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा, तो ये देखें जीरा हमारा थोड़ा सा सिजल होना शुरू हो गया। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, अगर आप चाहें तो क्रश किया हुआ या चॉप किया हुआ भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च जो बड़ी बड़ी कटी हुई है, साथ ही डाल देंगे साबुत सूखी लाल मिर्च, 4 मैंने डाली है, अगर आप चाहें तो तोड़ के भी डाल दें। और अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता जो कि मेरा है तकरीबन 1 पूरी डंडी, खुशबू आएगी अच्छी सी, अगर है तो डाल दें, ना हो तो नो प्रॉब्लम। अब इसमें डालेंगे केचप 4 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। और आप पकोड़े का चूल्हा करेंगे बंद, अब पकोड़े इसमें डाल देंगे। अगर आपको कुछ रूखे खाने हैं, बघारना नहीं है, तब भी आप खा सकते हैं, बड़े मज़े के लगेंगे। और ऐसा डायरेक्ट डालना भी ज़रूरी नहीं है, आप निकाल के रख सकते हैं ट्रे में, फिर आराम से बघार बना सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस हमें जब तक मिलाना है जब तक ये मसाले आपस में कोट ना हो जाए। देखिए बड़े अच्छे से कोट हो गया है, मज़ेदार सा हो गया है, ख़तरनाक सी खुशबुएं आ रही है। अब चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा अंडा 65 बन गया, मानते हैं आप? अब आप उसको जैसे हमने पकौड़े उतारते हैं ना, इस तरह से भी आप खा सकते हैं। हमने बघार जैसे बनाया इस तरह से, उसके साथ भी खा सकते हैं, रोटियों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, रूखा खाएं, लाइफ ब्यूटीफुल। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लक कैसा रहा। ऊपर से स्किन जो है वो क्रिस्पी एंड च्यूई है और अंदर से सॉफ्ट, और ऐसा चटपटा है ना, मज़ा आ जाएगा। अगर आप चाहें तो केचप में डुबो के खाएं, एक्चुअली तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इतना परफेक्ट है। लेकिन चटनियों में भी डिप किया जा सकता है, केचप में भी किया जा सकता है, ऐसे भी खाया जा सकता है। खतरनाक मज़ा आ गया, बनाना बनता है, तो जल्दी जल्दी जाएं बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज़।